नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशा गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में फरीदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित हुई दुर्घटना, एक की मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। आपको बताते चले कि मामला उस वक्त का है जब राष्ट्रीय राजमार्ग में पंचोमी के समीप शराब के नशे में अज्ञात मोटरसाइकिल चालक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरे युवक की सड़क पर सिर के बल दूर जा गिरने से मौके पर मौत हो गई। बताते चले राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटना घटित होने पर माहौल गर्म हो गया। पुलिसकर्मी नाम पता अज्ञात करने में जुटे हुए हैं। मौके पर मौजूद दर्शकों के अनुसार सड़क से गुजर रहे किसी गन्ना वाहन की चपेट में आने से घटना घटित होने से मौके पर एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। फतेहगंज से मनोज श्रीवास्तव तथा सुरजीत शर्मा की एक रिपोर्ट। मोटरसाइकिल से दो लड़के जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया यहाँ सामने पंचोमी अड्डे पे। एक तो यहाँ पे मतलब तुरंत ही मौके पर ही खत्म हो गया। अच्छा, दूसरे को बरेली रेफर कर दिया गया। क्या वो घायल हो गया था? हाँ, वो घायल था। तो उसका नाम पता पता लग पाया? नहीं नहीं अज्ञात थे वो। तो उसकी गाड़ी यहाँ पे है क्या? गाड़ी यहीं खड़ी है सामने हमारी। अच्छा, टीवीएस। तो उसका नाम पता नहीं, अज्ञात नहीं रहा। हाँ, तो किस तरीके से गिरे थे कोई पता नहीं लगा? नहीं नहीं कुछ पता ही नहीं चला। गन्ने की ट्राली जा रही थी तो सत्तर घंटे की ट्राली थी। एक्सीडेंट हुआ जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।